भिलाई में गर्जा बुलडोजर। दरअसल भिलाई में जोन 3 में मस्जिद के लिए आवंटित की गई जगह पर कई तरह की दुकानें और साथ ही साथ कई तरह के मैरिज हॉल और कई तरह की चीजें यहां पर बना दी गई थी, जिसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। शहर के इलाके में 100 से ज्यादा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जोन 3 के इस इलाके में निगम उपायुक्त के मुताबिक अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। तो अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि सवाल इस बात को लेकर यही उठता है कि जब इतना कुछ निर्माण हो गया उस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जब ये निर्माण हो गया तो उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है, अब तक की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अब तक के अगर कार्रवाई होती तो शायद बाकी का निर्माण भी नहीं हो पाता, और जिन्होंने ये परमिशन दी थी क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये गलत है, लगातार इनको नोटिस दी गई है। इसकी शिकायत थी कि ये गैर धार्मिक उपयोग करके और व्यवसायिक का उपयोग कर रहे हैं और अतिक्रमण हमारी काफी त्रुटि जमीन है ये, और इसको पहले भी नोटिस दिया था। अंतिम नोटिस इनको 3 दिन का दिया था कि आप इसको आप खाली कर दीजिए, क्योंकि तो आपको पहले भी बताया जा चुका है। इन्होंने आबंटन की मांग की है, पर आबंटन की जो धार्मिक उपयोग कर रहे हैं उसमें नहीं मैंने घर कार्रवाई विचाराधीन है। भिलाई के सुपेला जो मजार है वहां पर दुकानों की शिकायत थी कि अवैध कब्जे हैं, इसको लेकर याचिका लगाई गई थी। मुस्लिम समाज के एक पक्षकार जो हैं बाबर खान ने याचिका लगाई थी। आज नगर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और पूरे इसको जो अवैध कब्जे उनको ढहा दिया गया है। जो मजार है उसको कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि आस्था से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके और उसके बाद धार्मिक कोई बात ना हो सके और फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन, निगम और अन्य जो पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक इस मामले में अवैध निर्माण की शिकायत थी, हाईकोर्ट का आदेश था, पहले भी नोटिस दी गई थी, लेकिन किसी मामले में कोई अपना पक्ष नहीं सामने रखने नहीं आया, न इस मामले में दुकान को हटाया पीछे, तब जाकर आज कार्रवाई की जा रही है। बड़ी कार्रवाई है जिले में, अब तक की किसी धार्मिक स्थल के आसपास दुकानों के निर्माण में ये पहली बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। सही हुई प्रदीप राव साहब, आनंद ओझा। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा भी जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कार्रवाई अब भी जारी है? और बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं, मैरिज हॉल हैं, इतनी दुकानों को बनने की अनुमति क्यों दी गई, किसने दी, और इतना अतिक्रमण एक साथ करना पड़ रहा है, तो क्या उन अफसरों पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, अफसर से ज्यादा इस मामले में जो पॉलिटिकल सपोर्टर हैं इनके, पहले ही आयुक्त ने बाकी प्रशासन के लोगों ने कहा कि उनका धार्मिक स्थान को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। धार्मिक स्थान के नाम पर जो आसपास कब्जे हो जा रहे हैं और लोग उसमें किराया कमा रहे हैं, साथ में इसमें एक शिकायत आई थी, पूर्व SP थे यहाँ पर अभिषेक पल्लव, तो उन्होंने एक आंकड़ा जुटाया था जिसमें रोहिंग्या लोगों को भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार किए गए थे, तो उसकी भी पुलिस प्रशासन पहले जांच कर रहा था। अब जब शिकायत मिलने लगी और उसमें शिकायतकर्ता कोई अन्य नहीं मुस्लिम पक्षकार ही थे, उनका कहना था कि ये धार्मिक आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं और उसकी आर में किराया कमाए जा रहे हैं, वहां पर मछली का कारोबार हो रहा है, अन्य कारोबार हो रहा है, ये गलत है। इसके खिलाफ पहले प्रशासन ने आवेदन दिए और अन्य जगह पर गए, लेकिन जब तक पॉलिटिकल संरक्षण रहा कुछ नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही कोर्ट का डंडा पड़ा, यानी हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि आपको ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, तो पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई कर दिया, जिसका नजारा है देखने को भिलाई में मिला। अब एक मामला साफ हो चुका है कि धार्मिक आड़ में कोई इस प्रकार का खेल करेगा तो ध्रुव भिलाई या अन्य जगहों पर प्रशासन या शासन उस पर ठोस कार्रवाई करेगी। साफ तौर पर CM डिप्टी CM विजय शर्मा ने इस मामले की पूरी जांच करवाई है, उनका कहना है कि हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। जी बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।